अंडर रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है उसको पहले फैक्टराइज करना होगा। तो पहले फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर, अंडर रूट 45 का फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3 × 5, 9 × 5 = 45 होता है, तो 9 को लिख देंगे 3 × 3 × 5। 20 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। और इसका तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर रूट से बाहर निकलने वाले जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सबको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर रूट से बाहर निकल सकता है, तो यहाँ 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3√5 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ हो जाएगा 3 × 2 का एक पेयर बन रहा है 2√5। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारे टर्म्स में, इसमें इसमें और इसमें, ऑल टर्म्स में आपके पास 5 है। जब 5 है तो इस 5 को आप कॉमन ले सकते हैं, जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3 − 6 + 4। यदि 5 को हम कॉमन ले लें √5 को तो यहाँ पर इतना बचेगा, और यहाँ सॉल्व करने आपको आता है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 × √5 = √5। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम 27 का केवल फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 27 का फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3 × 3, इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलेगा तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमें, हमें मिल जाएगा इतना। अब यहाँ पर देखिए √3 और √3 ये दोनों सेम हैं, तो यहाँ पर 3 को, यहाँ पर जो √3 का जो फैक्टर है, सॉरी कोफिशियंट है, और √3 का यहाँ पर कोफिशियंट है, उन दोनों को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा 9√3। अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा हमें, अपान 1 एलसीएम लेंगे इसका तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 1 और √3 का जो एलसीएम होगा वो √3 ही होगा, मतलब √3 और 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही होगा इसका एलसीएम। अब 1 से डिवाइड करते हैं √3 में तो √3 ही आएगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9√3 में तो क्या मिलेगा, देखिए 9√3 में मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो यहाँ पर 2 रूट्स मिले हुए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9√, ये 3 ये इनके जो रूट्स हैं उनको 1 में ले सकते हैं, मतलब 3 × 3 आ जाएगा, और ये रूट से बाहर निकल सकता है, इसका मतलब कि 9 × 3 हो जाता है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि √3 है और √3 है, इसका मतलब यही है कि 3 to the power है 1/2, I × 3 to the power 1 / 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 to the power होगा 1/2 + 1/2, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाते हैं, बेस बराबर होता है, तो यहाँ 3 बेस बराबर है ना, तो पावर्स को ऐड कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 to the power 1, क्योंकि 1/2 + 1/2 = 1, तो इसीलिए 3 हो जाता है, तो इसीलिए बाहर 3 निकल जाएगा, तो 9 × 3 = 27, मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 × this = 27, क्योंकि 9 × 3 हो जाएगा, और √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 7 = 7, तो +7 हमें मिल जाएगा 34/√3। लेकिन हम चाहते हैं कि √3 डिनोमिनेटर में न रहे, मतलब रूट वाला कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में न रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब हो जाएगा हमारा आंसर, राइट आंसर 34√3/3। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 ध्यान दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 6√5 × 2√5, जब भी मल्टीप्लाई करना हो सर्ड्स वाले क्वेश्चन में, तो जो सर्ड में दिया रहता है, मतलब कि अंडर रूट में जो दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे अंडर रूट में जो दिया हुआ है, इन रूट्स वालों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इनके कोफिशेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर √5 का कोफिशेंट है 6 और यहाँ पर √5 का कोफिशेंट है 2, तो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 6 × 2 करेंगे, फिर ब्रैकेट में √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सोचना है आपको, ठीक है, कोफिशेंट को कोफिशेंट से और अंडर रूट के जो टर्म्स हैं उनको अंडर रूट में एक साथ, ओके, तो 6 × 2 = 12, और यहाँ पर अंडर रूट में दोनों को एक साथ हम अंदर कर सकते हैं तो √5 × 5, और आप जानते हैं कि जब 2 पेयर बनता है एक अंडर रूट के अंदर तो वो बाहर निकल सकता है, तो मतलब मिल जाएगा हमें 12 × अब ये ब्रैकेट हटा सकते हैं और मिलेगा हमें 5, क्योंकि एक ही ये पेयर बन गया है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो 12 × 5 = 60, दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट ऑफ 1
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिवीजन करना है आपको, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म्स में डिवीजन करना है, तो बहुत आसान है ये, हमें इसको लिख लेना है इस तरह से 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। अब हमें यहाँ फैक्टराइज कर देना है, रूट 15 का फैक्टराइजेशन होगा 8, हम ऐसा ले सकते हैं, और आप जानते हैं कि यदि अंडर रूट में a इंटू बी दिया रहता है तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं रूट a इंटू रूट बी, ऐसा होता है, तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8√3 इंटू रूट 5 अपान, यहाँ हो जाएगा 2√3, तो पहले से था, देखिए रूट 3 और रूट 3 यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, और यहाँ से 2 1 2 एंड 2 2 4 8। एक बात ध्यान रखिएगा कि रूट वाले जो टर्म्स होंगे केवल रूट से कटेंगे, रूट वाले नंबर्स रूट से कटेंगे, और जो हमारा नेचुरल नंबर है या फिर कोई इंटीजर है तो वो इंटीजर से कटेगा। ओके, तो यहाँ पर मिल जाएगा आंसर हमें 4, यहाँ पर रिमाइंडर है, और यहाँ पे √5। दिस इज योर नाउ द फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर भी 24 का और 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 2 × 3, 54 का करेंगे तो मिलेगा 3 × 3 × 2 × 3। यहाँ पर देखेंगे पेयर किसका बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है 2 और 2 का, और यहाँ पर 3 का बन रहा है, तो ये बाहर निकल जाएगा, और किसी का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 2√ यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, यहाँ पर से 3 निकलेगा तो 3√6, यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 3 3 9, मीन्स हमारे पास आ गया √6/4 प्लस √6/3। यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, 4 3 12, यहाँ पर हो जाएगा 3√6 प्लस 3 4 12, एंड ये हो जाएगा 4√6। अब यहाँ पर देखिए √6 और √6, ये रूट वाली क्वांटिटी जो है सेम है, तो बस इसके कोफिशियंट को ऐड कर दीजिए, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे मिलेगा 7√6/12। दिस इज योर आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी √8 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए और इसमें से जो भी पेयर बन रहे हैं उसको बाहर कर लीजिए। √8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 मिलेगा, जिसमें से 2 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर निकल सकता है। 2 को बाहर निकालने के बाद हमें मिल जाएगा इतना। यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे, तो 2√2 और 2√2 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। 2√2 और आपके पास √2 है, इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों में जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए, तो √2 कॉमन है तो √2 ले लीजिए, उसके बाद से जो कोफिशेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 का कोफिशेंट है 1 और यहाँ पर √2 का है 2, तो 2 1 2, तो 2√2 आपका एलसीएम होगा। अब देखिए 2√2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो पूरी तरह से कट जाएगा ये, तो 1 बचेगा, है कि नहीं, 2√2 से डिवाइड करते हैं ना तो 1 बचेगा, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 ही रहेगा, प्लस √2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2√2 में यदि आप √2 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल होगा केवल रूट वाला नंबर, और ये 2 बच जाएगा, तो मतलब 2 आएगा, √2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 × 1 करेंगे न्यूमरेटर में तो 2 ही रहेगा, यह मिल जाएगा 5/2√2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में से √2 को हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर √2 से, और नीचे भी कर लेते हैं √2 से, क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 5√2/, यहाँ देखिए √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 × 2 = 4, मीन्स इतना आ जाएगा 5√2/4। ओके, तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, ध्यान दीजिएगा 5+√7 × 2+√5, यहाँ पर ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग इसको करते थे, x+y (a+b), इनको सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता था ठीक वैसे ही इनको भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, सिंपली क्या करना है कि ये जो पहला टर्म है इसका जो 5 है उसको रख लीजिए, और जो
2 प्लस रूट फाइव है, इसको यहां पर रख दीजिए पूरी तरह से, तो 2 प्लस रूट फाइव। अब यहां पर जो इसका जो प्लस रूट सेवन है उसको यहां रख दीजिए रूट सेवन, और ब्रैकेट में रख दीजिए ये पूरा नंबर 2 प्लस रूट फाइव। एक्चुअली बस हम करना क्या चाहते हैं यहां पर, इस 5 से 2 और रूट फाइव में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और इस रूट सेवन में, इस रूट सेवन से 2 और रूट फाइव में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। क्या मिल जाएगा हमें यहां पर, 5 2 10, 5 और रूट फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो एक जो एक्चुअली हम बस ऐसे ही लिख लेंगे 5 रूट फाइव। यहां ध्यान दीजिएगा ये आपका रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि रूट में है ये। प्लस यहां पर देखिए, यहां पर भी रेशनल एक है और एक इरेशनल है, तो ये हो जाएगा 2 रूट सेवन प्लस, लेकिन यहां पर देखिए दोनों क्या है, ये दोनों इरेशनल है, तो हम अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने अंडर रूट सेवन इंटू फाइव ऐसा किया जा सकता है। मतलब मैंने क्या किया यहां पर, रूट सेवन इंटू रूट फाइव इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां पर अंडर रूट ऑफ सेवन इंटू फाइव, ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया। अब यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें सिंप्लीफाई करने के पर ये मिला, तो हमने ये सॉल्व करने पर यही हमारा आंसर होगा एक्चुअली, दिस इज योर आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू, यहां पर ध्यान दीजिएगा 5 प्लस रूट फाइव है और यहां 5 माइनस रूट फाइव है, मीन्स हम यहां पर a और इसको b यदि मान लें, ठीक है, यहां पर a और b मान लें, यदि a मान लें 5 को और b मान लें रूट फाइव को, हमारा बन जाएगा यहां पर एक फार्मूला जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, आप क्लास 8th में पढ़े होंगे, तो यहां पर हम वही यूज करेंगे। तो यदि हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू, डायरेक्टली ले सकते हैं आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर मीन्स फाइव स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट फाइव का स्क्वायर, यहां 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस रूट फाइव का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि 5 to the power 1/2 एक्चुअली, और जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कट जाता है और मिल जाता है हमें 5, तो मतलब कि 5 मिल जाएगा। या फिर आप सोच सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं कि रूट फाइव में यदि रूट फाइव से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 बाहर निकल जाता है, तो किसी तरीके सोचिए आप, बिल्कुल सही आंसर आएगा, 25 माइनस 5 इज 20, तो दिस इज अवर आंसर। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू, यहाँ पर है रूट फाइव प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, तो जो हमारा फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ एक्सपेंड कर लेंगे, तो ए आपका है रूट फाइव, तो रूट फाइव का होल स्क्वायर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू। देखिए रूट फाइव का स्क्वायर किए हैं तो रूट हट जाएगा, यहां भी रूट का स्क्वायर हुआ है तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस यहां पर हो जाएगा 2। देखिए अब ये रूट वाले जो नंबर्स हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मींस अंडर रूट हो जाएगा 10। फाइनली आपको मिल जाएगा 5 प्लस 2 इज 7, दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू, ध्यान दीजिएगा रूट थ्री माइनस रूट सेवन का होल स्क्वायर है, यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यूज कर लेते हैं, यहां पे हो जाएगा रूट थ्री, तो हम ऐसा कर लेंगे, अब स्क्वायर करेंगे रूट थ्री का तो मिलेगा 3 प्लस रूट सेवन का स्क्वायर करेंगे 7 मिलेगा माइनस 2, और यहां अंडर रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली हमारा आंसर जो होगा 3 प्लस 7 इज 10 माइनस 2 अंडर रूट 21, सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू, रूट टू प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट फाइव प्लस रूट सेवन, तो ठीक ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसे सिंपली लिख लेंगे, रूट टू से इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको रूट फाइव प्लस रूट सेवन प्लस इसका जो सेकेंड पार्ट है रूट थ्री उसको यहाँ लिख लीजिए प्लस रूट थ्री, और ब्रैकेट में ये पूरा कंप्लीट लिख लेंगे
मतलब हम करना क्या चाहते हैं, रूट टू से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और रूट थ्री से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और उनको ऐड करना चाहते हैं, बस यही तो करना है। यदि हम इसको रूट टू से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें इतना, प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट फाइव प्लस रूट थ्री इंटू रूट सेवन। अब यहाँ पर देखिए रूट रूट का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक ही रूट के अंदर ये दोनों का नंबर आ जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि टू फाइव जै टेन प्लस यहाँ पर रूट फोर्टीन रूट थर्टी फाइव सॉरी रूट फिफ्टीन रूट ट्वेंटी वन। तो दिस इज योर आंसर। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन टू, फोर प्लस रूट फाइव मल्टीप्लाई करना है रूट थ्री माइनस रूट सेवन में। सबसे पहले आप ऐसा लिख लेंगे, इस फोर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों में, तो फोर से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, प्लस ये जो प्लस है यहाँ से आया ये प्लस रूट फाइव, और प्लस रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री माइनस रूट सेवन में। तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा देखिए फोर रूट थ्री, क्योंकि ये रूट में है तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो ऐसे सिंपली रख देंगे। माइनस यहाँ देखिए ये जो है यहाँ भी हो जाएगा फोर रूट सेवन, प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा रूट फाइव और रूट थ्री जो है अंडर रूट में हो जाएगा रूट फिफ्टीन, माइनस रूट फाइव और रूट सेवन एक्चुअली हो जाएगा रूट थर्टी फाइव, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पर कुछ और करना नहीं है, दिस इज सो सिंपल एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ रूट टू इज इक्वल टू 1.414 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए रूट टू का वैल्यू दिया हुआ है 1.414, तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन सभी में इन सारे टर्म्स को रूट टू के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 8 को फैक्टराइज करके हम देखेंगे कि एक 2 का पेयर नहीं बनना चाहिए, इसमें भी वैसे ही एक 2 लेफ्ट आउट हो जाना चाहिए इसमें भी। तो सबके फैक्टर्स पहले हम लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर सबके फैक्टर्स लिख लिया है। 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 50 का है, 5 टू जा 10 10 5 जा 50 72, 2 टू जा 4 2 जा 8 एंड 8 9 जा 72 98, 2 इंटू 7 14 14 7 जा 98। यहाँ पर देखेंगे आप तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 5 का बन रहा है, यहाँ पे 2 और 3 का बन रहा है और यहाँ 7 बन रहा है। तो जिनका पेयर बन रहा है वो बाहर निकल सकते हैं और जिनका नहीं बन रहा वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे रूट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो बस रूट टू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। रूट टू की वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1.414 5 इंटू 1.414 6 इंटू 1.414 लाइक दिस। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है बस, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 28.280 जो कि हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो 28.28 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन थ्री, 3 अंडर रूट 32 माइनस 2 अंडर रूट 50 प्लस 4 अंडर रूट 128 माइनस 20 अंडर रूट 18। यहाँ पर भी सबको फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि 2 एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो जिसका पेयर नहीं बन पा रहा। जब फैक्टराइजेशन करेंगे सबका तो मिलेगा हमें 32 का मिलेगा 5 टाइम्स 2, 50 मिल जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 128 7 टाइम्स 2 एंड 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर जिसका पेयर बन रहा है उसका एक पेयर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 5 का बन रहा है, यहाँ पर 2 2 एंड 2 एक 2 बच गया, यहाँ पर यहाँ भी 2 बचा हुआ है, यहाँ भी 2 बचा हुआ है और यहाँ पर 3 का पेयर बना, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 2 टू जा 4 एंड 4 3 जा 12 और रूट 2 माइनस यहाँ पर 5 निकलेगा, 5 टू जा 10 10 रूट 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 एंड 8 फोर जा 32 यहाँ होगा, 3 20 जा 4। फाइनली अब रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले आप इन सभी को फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद पेयर बनाओगे, पेयर बनाने के बाद इसको बाहर निकालोगे, तो लेट अस डू दैट। तो जब यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो रूट 27 का फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 75 का होगा 3 इंटू 5 इंटू 5 108, दिस वन
2 × 2 × 3 × 3 × 3 243 करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आप फैक्टराइज कर लीजिएगा जैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 2 और 3 का यहाँ बन रहा है और यहाँ पर 3 का दो पेयर बन रहे हैं और सभी में आप देखेंगे 3 बचा हुआ है। यहाँ पर 3 बचा हुआ है, ये भी है, ये सिंगल छूटा हुआ है, ये सिंगल है, तो जो सिंगल है उसी को प्रॉब्लम है, वो रूट के अंदर ही रहेगा। देखें यहाँ पर ये 3 बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा रूट 3 प्लस, यहाँ पर देखिए 5 एक बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा रूट 3। यहाँ पर देखिए 2 और 3 बाहर निकलेंगे जो कि मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 6, तो प्लस 6 रूट 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक 3 और एक 3 निकलेगा, मतलब 3 × 9 मतलब हो जाएगा -9 रूट 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पर √3 √3 √3 लगा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 और ये 6 यदि ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 √3 और ये माइनस में है और वो प्लस में होगा, इसका मतलब कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा हमारा 5√3 और 5√3 बचेगा, केवल हम रूट 3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 × 1.732 यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा हमें 8.660, जो कि हम इसको लिख सकते हैं 8.66, दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4, यहाँ भी हम फैक्टराइज करेंगे तो 12 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 48 का होगा, 16 3 जा होता है 48, तो 16 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3, 75 का हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75, 108, तो 2 × 2 = 4 एंड 3 × 3 = 9 = 27, 27 × 4 = 108। अब यहाँ पर पेयर बना करके हम इसमें जो नंबर्स बाहर निकल सकते हैं निकाल सकते हैं, यहाँ पर तो 2 का बन जाएगा पेयर, यहाँ पे 2 का बनेगा, 2 का बनेगा, यहाँ 5 का बनेगा, यहाँ पर 2 और 3 का बनेगा, तो सब में 3 जो है सिंगल है तो वो रूट के अंदर ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 बाहर निकलेगा तो 5 × 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10√3 माइनस, यहाँ पर देखिए 2 × 4 ये 2 बाहर एक निकलेगा, यहाँ पे एक 2 बाहर निकलेगा, तो 2 × 4 4 × 3 = 12, 12√3 प्लस, यहाँ पे एक 5 बाहर निकलेगा तो 5 × 6 = 30, यहाँ से 2 निकलेगा एक और यहाँ से 3 निकलेगा तो 2 × 3 = 6 एंड 6 × 7 = 42√3। अब यहाँ पर हमें माइनस करना है, यहाँ पे माइनस में है 12√3 और इन सभी प्लस को, मतलब जो प्लस है जो उनको सभी को एक साथ ऐड कर दीजिए, जो सभी प्लस हैं उनको एक साथ ऐड कर दीजिए और माइनस वाले को बाद में सेपरेट कर देंगे, तो यदि हम या फिर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो मिलेगा हमें -2√3 +30√3 + 42√3। यहाँ पर देखिए -2√3 और 30√3 को सॉल्व करेंगे तो केवल 2 को माइनस करेंगे 30 में से और ये प्लस है, ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 28√3 + 42√3। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो मिलेगा हमें 28 और 2 हो जाएगा 30 और ये 70, मतलब 70√3 आएगा। और अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे रूट 3 का, यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू है 121.24, दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल, हमें बताना है कि इसमें से कौन से नंबर्स इरेशनल हैं। तो सबसे पहले देखिए, केवल देख करके आप तुरंत में बता दीजिएगा कि यह इरेशनल है या रेशनल है। सबसे पहले हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे 4/9 है तो यहाँ पर फैक्टराइज कर सकते हैं और हमें मिलेगा यहाँ पर ये 4 का फैक्टराइजर 2 × 2 होगा अपान 9 का होगा 3 × 3 और आप देख रहे हैं कि पेयर बन रहा है तो यहाँ से रूट से बाहर निकल सकता है 2 और 3 भी बाहर निकल सकता है तो 2/3 हो जाएगा और 2/3 जो है इरेशनल नहीं है। तो आप कहेंगे कि दिस इज नॉट इरेशनल, -3/70 तो ऐसे ही देखकर लग रहा है कि यह रेशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स हैं
ओके तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में यदि केवल इंटीजर्स होते हैं तो समझ जाइए कि वह नंबर हमेशा रेशनल होगी ना कि इरेशनल. दिस इज ऑल्सो नॉट इरेशनल. यहाँ पर देखते हैं अंडर रूट 7/25. देखिए इसको हम ले सकते हैं, ये जो अंडर रूट है इसको सेपरेटली न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, तो मतलब कि रूट 7/√25 हो जाएगा. अब यहाँ पर रूट 7 तो रूट 7 ही रहेगा क्योंकि यह पेयर बना नहीं सकता, प्राइम नंबर है. लेकिन 25 को फैक्टराइज करेंगे तो मिल जाएगा हमें 5 × 5, और 5 बाहर निकल सकता है तो ये हो जाएगा √7/5. अब यहाँ पर रियल रूट 7 तो रहेगा ही रहेगा ना, तो रूट 7 किसी भी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर इरेशनल ही होती है. तो दिस इज़ फाइनली इरेशनल. ये भी ये इरेशनल है. एक हमें ऐसा नंबर मिला है अभी फिलहाल में जो इरेशनल है. अब यहाँ देखते हैं अंडर रूट 16/5. तो अंडर रूट 16/5 यहाँ भी आप फैक्टराइज कर लेंगे. सबसे पहले तो सेपरेट कर लीजिए इस अंडर रूट को, तो यहाँ मिल जाएगा 16√16/5. अब यहाँ पर रूट 16 को यदि फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 √5. यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 4/√5. अब यहाँ पे यदि हम रेशनलाइज कर दें तो ऊपर से हो जाएगा √5 × √5, तो हमें मिलेगा एक्चुअली 4√5/5. तो यहाँ पर √5 रहेगा ही रहेगा, मतलब कि आपको ये समझना है यहाँ पर देख करके कि यदि 4/5 क्या है. यहाँ देखिए 4/5 यह एक रेशनल नंबर है. यदि रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी इरेशनल नंबर में, जो कि ये √5 इरेशनल नंबर है, तो वह यह पूरा नंबर जो है वो इरेशनल ही होगी. मतलब रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल. तो दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर. तो केवल दो ही यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें कुछ और नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे −√2/49 को. यहाँ पर हम पहले अंडर रूट को सेपरेटली लगा लेंगे यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा ये √2 न्यूमिरेटर में √49. तो आप यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे जो फैक्टर हो सकता है जिसका. तो यहाँ पर देखिए 2 प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर तो होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रखिए. और यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में यदि फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 7 × 7, पेयर बन चुका है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो −√2/7. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर में यदि किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर इरेशनल ही होती है. तो यह एक इरेशनल नंबर है. तो दिस इज एन इरेशनल नंबर. दिस इज करेक्ट. 3/200 देखिए यह रेशनल नंबर है क्योंकि एक न्यूमिनेटर में इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है. तो दिस इज क्लियरली अ रेशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल नंबर. ओके दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर. यहाँ पर देखिए आपका है √25/3. अब इसको हम स्क्वायर रूट जो है न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा −√25/3√3. और यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स में तो ये मिलेगा हमें 5 × 5/√3. यहाँ पर 5 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर निकल जाएगा, 5/√3 मिल गया. अब इसको हम यदि थोड़ा सा रेशनलाइज कर दें, मतलब कि √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ मिलेगा 5√3/ यहाँ मिल जाएगा 3. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5/3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर है, 5/3 क्या है, रेशनल नंबर है. यदि किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर में, ये इरेशनल नंबर है, तो हमेशा इरेशनल आता है ना. याद रख लीजिए आप कि यदि किसी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, हमेशा. ये समझ लीजिए, ये एकदम फार्मूला एक तरह से है, समझ लीजिए. ओके तो दिस इज एन इरेशनल नंबर. यस दिस इज करेक्ट, दिस इज एन इरेशनल नंबर. नाउ हियर लास्ट वन √49/16. सो माइनस स्क्वायर रूट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा इतना. अब यहाँ फैक्टराइज कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7/ यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा −7/2 ये 4,
तो माइनस सेवन अपन फोर, यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं आप माइनस सेवन अपन फोर, यह एक रेशनल नंबर है क्योंकि ऊपर इंटीजर है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। माइनस सेवन इज एन इंटीजर, फोर इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर। सो ये हमारा इरेशनल नहीं है। तो केवल हमें यहाँ पर दो ही मिले हैं इरेशनल, दिस वन एंड दिस वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो कैसे पता करेंगे? देखिए, जो नंबर इरेशनल होती है उसी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है। तो हमें बस पता करना है कि कौन सा इसमें से इरेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा ही आएगा। तो माना थ्री रूट टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट टू है, एक इरेशनल नंबर है और डेफिनेटली यह एक इरेशनल नंबर है क्योंकि जब भी किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक इरेशनल नंबर में तो वह हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आती है। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता ही है। तो दिस इज करेक्ट, मतलब कि ये करेक्ट करने का मतलब क्या है कि दिस नंबर विल हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपको सेपरेटली लगा देंगे, यहाँ पर 256 में अंडर रूट और डिनोमिनेटर में लगा देंगे अलग से, फिर यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा, देखिए 256 फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 16 होता है, तो हम 2 को लिखेंगे लगभग 8 टाइम्स, अपन ये अंडर रूट 81 को लिखेंगे 4 टाइम्स 3s। अब यहाँ देखिए पेयर बन पा रहा है, देखिए 2 का बन गया यहाँ पर 4 पेयर्स, तो ये बन जाएगा आपका 16 अपन, यहाँ पर देखिए 3 का 2 पेयर्स तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9। 16 अपन 9 जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है, मतलब नॉन रिकरिंग नहीं होता। इसका मतलब कि ये जो नंबर है इसको हमने सॉल्व किया तो मिल गया हमें एक रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होता, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। तो इसका मतलब कि ये गलत है। ओके, दिस इज, मतलब कि यहाँ पर हम कहेंगे कि दिस नंबर अंडर रूट ऑफ 256 अपॉन 81 विल नॉट हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं अंडर रूट ऑफ 27, तो फैक्टराइज कर लेंगे सेपरेटली, यहाँ मल्टीप्लाई मत करिएगा, यहाँ पर अलग अलग फैक्टराइज कर लीजिएगा। 27 को करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 16 को कर लेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पेयर बना लेंगे आप, तो 3 का बन रहा है यहाँ पर 2 का बन रहा है, यहाँ पर 2 का बन रहा है, तो हमें बाहर निकालने में क्या मिलेगा, 3 टू जा 6 टू जा 12, तो मिल जाएगा 12 रूट 3, एक 3 बचा हुआ था यहाँ पर। अब ये बताइए 12 रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, तो दिस नंबर विल हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसका सही है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये सेपरेटली कर लेंगे स्क्वायर रूट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ मिल जाएगा हमें रूट 5 अपान, यहाँ पर यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो 6 इंटू 6 कर सकते हैं, तो 6 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा रूट 5 अपान 6। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह एक इरेशनल नंबर है रूट 5 और 6 जो है रेशनल है, तो यदि इरेशनल में किसी इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इरेशनल आता है। याद रखिएगा, यदि हम किसी इरेशनल में डिवाइड करते हैं किसी रेशनल से तो हमेशा जो रिजल्ट आता है वह हमेशा इरेशनल ही आता है। तो यह नंबर इरेशनल ही है, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही होगा, मतलब कि ये भी करेक्ट है, मतलब इसके लिए भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कौन कौन सा सही था, ये था और ये था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं था इस तरह का और इसका था, मतलब कि एक गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। हमें पता करना है इन सभी को कि कौन से इनमें से नंबर्स हैं जो इरेशनल हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 25,
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 3 माइनस अंडर रूट 7 अपान अंडर रूट 25. अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है इसका, 5 का स्क्वायर होता है 25. मिल जाएगा आपको 3 माइनस रूट 7 अपान और ये मिल जाएगा 5. तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूट 7 अपान 5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि किसी इरेशनल में, मतलब रूट 7 क्या है, इरेशनल. यदि किसी इरेशनल में किसी इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर इरेशनल ही होगी. और यदि ये इरेशनल है और यह रेशनल है, आपको पता है 3, यदि किसी रेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो वह नंबर भी इरेशनल होगा. मतलब दिस टोटल इज इरेशनल. तो दिस इज इरेशनल. क्लियर. यहां पर देखते हैं, माइनस टू अपॉन थ्री क्यूब रूट ऑफ टू. ध्यान दीजिएगा, माइनस टू अपॉन थ्री क्या है, रेशनल है. रेशनल में यदि ऐड किया जाए इरेशनल, ये क्यूब रूट ऑफ टू क्या है, इरेशनल है, क्योंकि यह क्यूब रूट के बाहर निकल नहीं पाएगा. या फिर इस नंबर को आप सोच सकते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, देयर फॉर इट इज एन इरेशनल नंबर. तो किसी रेशनल में यदि किसी इरेशनल को ऐड करते हैं तो वह नंबर इरेशनल ही होती है. एकदम ये समझ लीजिए कि यदि इरेशनल में आप किसी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह नंबर हमेशा इरेशनल ही होगी. ठीक है, और इसी प्रिंसिपल पर हम यहाँ पर सबको आंसर दे रहे हैं. तो यह नंबर क्या हो जाएगी, इरेशनल, बिकॉज सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल. ओके, यहाँ पर आते हैं, 3/√3. थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3/√3 मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में √3 से और डिनोमिनेटर में भी √3 से. तो यहाँ मिल जाएगा 3√3 अपान, यहाँ मिल जाएगा, देखो 3 ही हो जाएगा और यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 1 3, हमें मिल जाएगा √3. और हम जानते हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो दिस इज इरेशनल नंबर. तो अभी तक सारे के सारे इरेशनल ही मिल रहे हैं. यहाँ पर देखिए -2/7 क्यूब रूट ऑफ 5, तो क्यूब रूट ऑफ 5 है यहाँ पर -2/7. देखिए -2/7 क्या है, रेशनल है. रेशनल में यदि मल्टीप्लाई करते हैं किसी इरेशनल नंबर से जो कि क्यूब रूट ऑफ 5 है, तो यह इरेशनल नंबर है और रेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मतलब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा. देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा, लेकिन हाँ यस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर में यदि मल्टीप्लाई करते हैं आप इरेशनल नंबर से तो वह नंबर हमेशा इरेशनल होगी. ये भी याद रखिए, मतलब रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा. तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम बोलेंगे कि दिस नंबर इज इरेशनल बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर. यहां पर देखेंगे, यहां पर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. यहां पर यदि देखिए ए है, इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो ए माइनस बी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए प्लस बी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप क्लास 8th में पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला. यहां पर वही कर देते हैं यूज और हमें मिल जाएगा 2² - √3² तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 4 - √3² मीन्स 3 = 1. तो 1 क्या है, 1 इज अ रेशनल नंबर, इट इज नॉट एन इरेशनल. ओके, दिस इज अ रेशनल. तो यहाँ पे बोलेंगे कि दिस 5th वन इज नॉट इरेशनल. ओके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर हमें एक्सपेंड करना होगा. तो a प्लस, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पर, तो लगा लेते हैं यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 3² + √5 का होल स्क्वायर, फिर +2 × 3 × √5. क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 3 × 3 = 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर. देखिए 3 × 6 = 6√5 ऐसा बचेगा. फिर क्या मिल जाएगा, 9 × 5 हो जाएगा ये 14 + 6√5. तो यहाँ देखिए ये रेशनल नंबर है और यह एक इरेशनल नंबर है. तो किसी रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा, जैसे मैंने बताया पहले. तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर.
यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर स्क्वायर किया है मतलब कि आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो 2/5 स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है कि 2 times मल्टीप्लाई कर देंगे उसी को, तो ये होता है इसका मतलब। अब यहाँ देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो ये रेशनल फैक्टर होता है उन रेशनल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 4/5 × 25 मल्टीप्लाइड बाई रूट सेवन को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट सेवन को रूट सेवन से करेंगे तो अंडर रूट में सेवन सेवन 2 times आ जाएगा, 7 × 7, तो यहाँ पर पेयर बन गया, पेयर बनेगा तो बाहर निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 4 × 7/25, मतलब फाइनली इसका आ जाएगा 4 × 7 = 28/25, और यह एक नंबर रेशनल है, तो दिस इज नॉट इरेशनल, दिस इज अ रेशनल नंबर। तो हमें तो बस स्टेट करना है कि यह इरेशनल है कि नहीं, तो दिस इज नॉट इरेशनल आप कहेंगे। चलिए द लास्ट वन, 3 − √6 whole square, ओके, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या मिलेगा 3 square, फिर प्लस करते हैं √6 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 × 3 × √6 2ab, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 3 × 6 6√6, सॉल्व करेंगे मिलेगा हमें यहाँ पर 15 − 6√6, देखिए रूट से बाहर ये नहीं निकल पाएगा, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को किसी रेशनल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह नंबर हमेशा इरेशनल ही होती है, तो दिस इज इरेशनल। यहां पर हमने दो प्रिंसिपल पढ़ा, थोड़ा सा हम इसको यहां पर लिख दें तो आपको पता चलेगा, देखिए जब भी किसी इरेशनल में आप ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, देखिए ये ऊपर वाला प्लस बता रहा है या नीचे वाला माइनस बता रहा है, यदि किसी इरेशनल में यदि प्लस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी रेशनल नंबर को, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा, एकदम इसको याद कर लीजिए। और यदि आप किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से, तो हमेशा एक इरेशनल ही मिलेगा, और यदि आप किसी इरेशनल नंबर में डिवाइड करते हैं रेशनल से, तो ये नंबर जो आएगा वो भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। हमने यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया और डिवीजन भी देख लिया, लेकिन एक बात यहां पर याद रखिएगा, इरेशनल को यदि मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से तो जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल आए, वह रेशनल भी आ सकता है, इसीलिए इसका अभी यहाँ पर इसका जो है क्लेरिफाई तब होता है जो दिया रहेगा उसके अनुसार। समझ लीजिए कि √2 क्या है, इरेशनल है, और √8 क्या है, वो भी इरेशनल है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 × 8 मतलब 16 हो जाएगा, और इसमें से 4 बाहर निकल सकता है, तो 4 क्या है, रेशनल है, तो इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल इज रेशनल, तो कुछ केसेस में रेशनल आ जाएगा कुछ केसेस में इरेशनल आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और डिवीजन के केस में भी ऐसा ही है, यदि किसी इरेशनल में डिवाइड करेंगे इरेशनल से तो जरूरी नहीं है कि यह नंबर इरेशनल आए, यह नंबर रेशनल भी आ सकती है, बस इन्हीं बातों को ध्यान रखिए और फिर आप ये सारे क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे, या फिर और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जो भी आएंगे एग्जाम में आपके, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा। ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।